15 में हमारे पास एक सॉल्यूशन है NiNO3 twice, निकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन है जिसको इलेक्ट्रोलाइज किया जा रहा है बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया है. नाउ करंट ऑफ 5 एम्पियर यानी करंट गिवन है, पास किया जा रहा है फॉर 20 मिनट्स, टाइम है 20 मिनट्स. तो हमें पूछा गया व्हाट इज द मास ऑफ निकल डिपोजिटेड, यानी रिडक्शन होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, तो कितना निकल डिपोजिट होगा एट कैथोड. सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है हम लोग मेंशन कर देते हैं. हमारे पास है निकल नाइट्रेट, तो निकल नाइट्रेट में निकल जो है इट इज इन प्लस टू स्टेट. अब पहले हम मेंशन कर देते हैं कि जो निकल है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है. तो निकल का एटॉमिक वेट जो है इट इज 58.7 ग्राम पर मोल. यानी अगर हमें एक निकल को डिपॉजिट करना है यहाँ पे तो उसके लिए दो फैराडे चाहिए होंगे एंड इट विल डिपॉजिट 58.7 ग्राम ऑफ निकल फ्रॉम दिस निकल नाइट्रेट सॉल्यूशन. अब यहाँ पे करंट कितना है, तो I इज एक्चुअली 5 एम्पियर. टाइम कितना है, तो टाइम इज 20 मिनट्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 20 × 60 सेकेंड्स. इनिशियली हमें क्या पूछा गया है कि कितना निकल डिपॉजिट हो, तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं Q, दैट इज चार्ज. वी नो दैट Q इक्वल्स टू I P, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं. I इज द करंट, तो करंट हमारे पास है इट इज 5 एम्पियर एंड टाइम जो भी हमारे पास गिवन है दैट इज 20 × 60. तो यहां से हमें Q मिल जाएगा, दैट इज द चार्ज. तो Q इज इक्वल टू 6000 कूलम, दैट इज द चार्ज विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइट. नाउ अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि निकल जो है इसमें निकल प्लस टू स्टेट में है, विच मीन्स Ni प्लस टू नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 फैराडे टू रिड्यूस एंड गेट डिपोजिटेड एज निकल. ओके, यहां से हमें एक चीज तो क्लियर है कि हमारी एन की वैल्यू जो होगी फॉर दिस इक्वेशन इट शुड बी 2, सिंस 2 फैराडे इसमें यूज हुआ है. तो हम लोग यहां पे ये मेंशन कर सकते हैं डायरेक्टली, जब 2 फैराडे या 2 × 96500 कूलम पास होता है निकल के सॉल्यूशन में से, तो यहां से हमें 1 मोल ऑफ निकल विच मींस 58.7 ग्राम निकल मिलता है. तो हमारे सॉल्यूशन में कितने कूलम चार्ज पास हो रहा है, इट इज 6000 कूलम. तो व्हेन 6000 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग तो हमें कितने ग्राम मिलेंगे, सपोज वी विल गेट x ग्राम ऑफ निकल डिपॉजिटेड एट कैथोड. तो यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 58.7 × 6000 डिवाइडेड बाय 2 × 96500. तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और x इज 1.825 ग्राम ऑफ निकल. तो 1.825 ग्राम ऑफ निकल जो है इट विल गेट डिपॉजिटेड ऑन कैथोड वाइल पासिंग 5 एम्पियर्स ऑफ करंट फॉर 20 मिनट्स थ्रू निकल नाइट्रेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं ए बी सी, दे आर कंटेनिंग सॉल्यूशंस ऑफ जिंक सल्फेट ZnSO4, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड कॉपर सल्फेट CuSO4 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज. एक चीज तो यहां से क्लियर होगी, अगर हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया और ये तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं, यानी अगर हम इनमें से करंट पास करेंगे हर एक सेल में से सेम अमाउंट ऑफ करंट पास होगा. सीरीज में करंट सेम होता है, करंट अगर सेम टाइम के लिए पास हुआ तो वी कैन से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज भी पास होगा. तो ए स्टडी करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर वाज पास थ्रू देम अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड. तो जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन था उसमें 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ कैथोड पे ऑफ सेल बी. नाउ हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, यानी हमें एक चीज कैलकुलेट करनी है कि कितना टाइम तक करंट फ्लो हुआ, बिकॉज तीनों सेल में से सेम टाइम के लिए करंट फ्लो होगा. एंड व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड, यानी अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट से पास किया होता तो उनके कितने मास डिपॉजिट होते हैं. तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन है वो लिख लेते हैं. हमारे पास सबसे पहले करंट की वैल्यू है आई, आई इज 1.5 एम्पियर. अब जो हमारे पास वेट डिपॉजिट हुआ है फॉर सिल्वर इट इज 1.85
4-5 ग्राम. नाउ हमें क्या पूछा गया, वी हैव टू कैलकुलेट टाइम एंड द मास डिपॉजिटेड ऑफ जिंक एंड कॉपर. तो सबसे पहले हम लोग सिल्वर के लिए कैलकुलेशन करते हैं. सिल्वर का हमें पता है कि इक्वेशन क्या होगा, AgNO3 कंटेन Ag प्लस, और फॉर Ag प्लस वी नो दैट कि एक इलेक्ट्रॉन अगर Ag प्लस आयन को मिलेगा देन इट गेट डिपोजिटेड एज Ag. नाउ वन इलेक्ट्रॉन मींस 1 फैराडे, और 1 फैराडे से जो हमें Ag मिलेगा दैट इज 108 ग्राम, दैट इज द मास ऑफ पर मोल ऑफ Ag. तो यहां से हमें ये पता चल गया कि 108 ग्राम सिल्वर मिल सकता है बाय पासिंग 1 फैराडे ऑफ करंट. अब हमारे पास जो मास है उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं. नाउ वी हैव अ फॉर्मूला फॉर द वेट डिपॉजिटेड. वेट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू ZiT. जेड इक्वल्स टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ, दैट इज द वैल्यू ऑफ फैराडेज कॉन्स्टेंट. तो हम यहां पे लिख सकते हैं वेट is equals to AiT upon NF. यहां से हम लोग T कैलकुलेट कर सकते हैं. T is equal to weight into NF upon A and I. अब यहां वैल्यू पुट कर देते हैं. वेट कितना डिपॉजिट हुआ है फॉर सिल्वर 1.45 ग्राम. कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज पास हुए थे, 1 फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू इट इज 96500 कूलम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर इज 108 एंड हाउ मच करंट इज पास्ड इट इज 1.5 एम्पियर. अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा फॉर हाउ मच टाइम द करंट वाज पास्ड, इट वाज 863.73 सेकेंड्स. तो ये हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट, दैट इज अ time duration for which the current is passed through the solution. It is similar for all the electrolytic cell. Ab second hum copper sulfate solution ke liye calculation karna hai. To hame pata hai ki isme weight of copper hame calculate karna hai, right? Kitna weight copper ka deposit ho. For copper atomic weight is 63.5 gram per mole. Faraday ka second law ke hisab weight of copper divided by weight of silver is equal to in ratio of equivalent weight of copper divided by equivalent weight of silver. अब value put कर देते हैं, तो weight of copper कितना है वो हमें calculate करना है. weight of silver हमें पता है 1.45 gram is equal to equivalent weight of copper. equivalent weight कैसे calculate करते हैं, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी. हमें पता है कि कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है, 2. तो फॉर इक्विवेलेंट वेट हम क्या करेंगे, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी दैट इज 63.5 डिवाइडेड बाय 2. तो हमें मिल जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट 31.75 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर. अब सिल्वर का जो एटॉमिक वेट है वो है 108, उसकी वैलेंसी 1 है, दैट मींस उसका इक्विवेलेंट वेट भी 108 ही रहेगा. ना इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से कॉपर का वेट मिल जाएगा जो डिपॉजिट होगा, और यहां से हमें कॉपर का वेट जो है वो मिल रहा है 0.426 ग्राम ऑफ कॉपर. अब ये सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे फॉर जिंक. एटॉमिक वेट जो है इट इज 65.3 ग्राम पर मोल. अब जिंक तो इक्विवेलेंट वेट है इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन इट्स वैलेंसी. तो एटॉमिक वेट है 65.3 एंड वैलेंसी जो है जिंक की इट इज 2. इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 32.65. और यहां पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज वेट ऑफ जिंक डिपोजिटेड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर. अब वैल्यूज पुट कर देते हैं. अब वेट ऑफ जिंक हमें कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सिल्वर जो कि क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, दैट इज 1.45 ग्राम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 32.65 डिवाइडेड बाय
इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर. अब सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट और एटॉमिक वेट सेम है बिकॉज सिल्वर की वैलेंसी सेम है, 1 है, 108. तो वेट ऑफ जिंक डिपोजिट इज इक्वल टू 0.438 ग्राम ऑफ जिंक. दिस इज द फाइनल आंसर.